गाइस मैं गोरा था, मैं काला नहीं, ये जन्म भी लिया था तो जल ही गया था। सो 6:30 इन द क्लॉक और मैं पहुंच चुका हूं हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे। पहले इसका नाम हबीबगंज था, अभी इसका नाम हो गया है रानी कमलावती स्टेशन। वाकई में बहुत बड़ा और काफी अच्छा बनाया है, एकदम एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है। अब गाइस यहां पे हबीबगंज में मेरे साथ मेरा एक दोस्त, ये कल्लू इसने भी मुझे ज्वाइन किया है। लेकिन सीन क्या हुआ, मेरा भी स्लीपर में टिकट था, इसका भी स्लीपर में टिकट था। मेरा स्लीपर का स्लीपर में रह गया, इसका अपग्रेड होके थर्ड एसी में हो गया। नसीब अपना सब दिया था, पेट्रोल दे रहा है क्या? हाँ, इसमें दिया है। मैं तो अपना चादर खुद लेके आया हूँ और इतना ठंडी लग रही थी सुबह में, आवाज स्लीपर में आवाज होती है। हम तो आराम से कम्बलो भी छा दिए, बेडशीट और ये बताइए। इसका थर्ड एसी में हो गया और मैं सारा स्लीपर में आया, सामने अपग्रेड हो गया था। अरे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो गाइस ये है हबीबगंज और हबीबगंज में हम लोग अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे क्योंकि जस्ट सो के उठे हैं आधी निंद्रा में। ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, उधर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा मेट्रो बना रहे हैं और ये पूरा बड़ा सा एकदम स्टेशन है। बहुत दिनों बाद कोई बढ़िया स्टेशन देख करके बहुत मजा आ रहा है, लिटरली एयरपोर्ट वाली फीलिंग आती है। अंदर सारी सुविधाएं हैं, हमने कपड़े बदल लिए, ब्रश वगैरह कर लिया, सब फ्रेश होकर के अभी हम लोग स्टेशन से बाहर निकले हैं। तो सारी फैसिलिटी है जो कुछ भी इंसान को चाहिए। तो अभी स्टेशन से बाहर निकला हूँ और पोहे का नाश्ता कर रहा हूँ, पोहे और चाय, क्योंकि भोपाल आए और पोहे ना खाए तो फिर क्या खाए। तो हमने लिया है टोटो की सवारी और हम पूरा भोपाल घूमेंगे टोटो से, बस से, ऑटो से। देखते हैं, सबसे पहले सवारी तो टोटो लिया हमने। ये कितनी अच्छी चीज है, देखो सार्वजनिक प्यास मिटाने के लिए यहाँ पे घर के पानी लगाए हुए हैं। टोटो से निकलने के बाद सोचा यहाँ से बस से आगे जाऊंगा, लेकिन बस में क्या सीट ही नहीं है, सब महिला महिला महिला, हैंडीकैप और पुरुष के लिए तो जगह ही नहीं। साथ ही मेरे पास ये बैग है तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से ये ऑटो ले लिया है। ये गिरेगा नहीं ना, तो अब यहाँ से हम लोग आगे ऑटो से जाएंगे। कल रात में जो स्लीपर से मैं आया हूँ ना, तो ट्रेन में इतनी ज्यादा आवाज हो रही थी कि उसकी वजह से नींद भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई, जबकि मैंने सीट एक्सचेंज कर लिया था। साइड लोअर में तो बिल्कुल नहीं सो पाता और स्लीपर का वो सीट है ना काफी पतला होता है। ये भाई साहब तो एसी में आए हैं, इनको तो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए मेरे को क्या बोल रहा है, तू थका हुआ क्यों फील कर रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं फील कर रहा। बोले भाई तू एसी में आया है और चादर वगैरह भी देने लग गया एसी में, तो इसलिए इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा नीचे ही डाल दिया था, कार गुर गया, थोड़ा हो गया टाइम का हो गया, देख रहे हो जला रहा है मुझे, जला रहा है मुझे। तो अभी क्या है ना, यहाँ उतरा हूँ, उसके बाद से देख रहा हूँ मेरे होंठ बहुत सूख रहे हैं, बहुत ज्यादा। सुबह में बहुत ज्यादा ठंडी थी और अब गर्मी शुरू होनी हो गई है। सरकार सारी चीजें अच्छी कर रही है, कोई शिकायत है क्या आपको? अब कोई शिकायत नहीं है, अभी तो बढ़िया चल रही है। यहाँ मार्केट 11 बजे के बाद ही खुलते हैं क्या? सुबह सुबह उठ करके लोग दुकान नहीं खोलते हैं, यहाँ आराम से उठने के बाद 11 बजे तक दुकान खोलें। इधर से लौटने के लिए ओला उबर मिलेगा? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऑटो भी नहीं मिलेगा। शहर से कितना बाहर है ये? देख लो ना आप, नीलमढ़ से इधर कितने 5 किलोमीटर आ गया। तो इधर से जब जाना होगा तो मैं क्या करूँगा? अब आप देख लेना, कोई ऐसी गाड़ी आती तो है नहीं, आपके शहर में आया हूँ मैं, कैसे खुद देख लूंगा, आपका मेहमान हुआ ना मैं। वो तो सही बात है। तो इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे चेहरे को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग तो उसको फील कर पा रहे हैं लिटरली, इतनी ज्यादा गर्मी है। एंड इवेंचुअली बस में हमको जगह मिल गई, वो भी इसलिए क्योंकि एक बस यहाँ खड़ी है और एक ये दूसरी थी, तो दूसरे में हम लोग बैठ गए हैं। भाई बस चल रही है ना, एकदम लिटरली लू लग रही है हमें, इतनी ज्यादा गर्म हवाएं आ रही है खिड़की के दरमियान। क्या सो तुम इतने काले इसीलिए हो गए क्या, जल गए क्या? नहीं, ये जन्म भी लिया था तो जल ही गया था। गाइस आपको पता है मेरे पास 500 रुपए हैं और उस 500 रुपए को मैं सुबह से खर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो खर्च नहीं हो रहा। मैं चाहे ऑटो वाले, चाहे हम लोग पोहा खाए वहाँ पे, तो सभी जगह में जब मैं 500 रुपए का नोट निकाल रहा हूँ तो बेचारा इवेंचुअली पैसे इसको देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो नोट चल ही नहीं रही। हेरा फेरी वाला सीन याद आ रहा है, 13 वाले में चावल इतना ज्यादा दिया, मेरे वाले में इतना कम दिया है। तूने अंदर जाके बात कर लिया था क्या? आपने ऐसा क्यों किया, इसके वाले में इतना सारा चावल दिया है, मेरे वाले में कम दिया भैया। ये आपसे अंदर जाके बात करके आया ना,
तो फिलहाल अभी आए हम लोग लंच करने के लिए, बड़ी तेज भूख लगी है, सुबह से पोहा खा के ही खींच रहे हैं और गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तो अब इसको फील करना बहुत जरूरी है। तो ये आ गया भोपाल जंक्शन। इतने कड़ाके की गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। धूप में चलते चलते तो ऐसा लगा कि अब तो गिर ही जाऊंगा, इसीलिए स्टेशन का एंट्रेंस उधर से मिला, हम लोग चढ़ गए इसके ऊपर। ये यहाँ बंद है। अब एक नंबर पे जाने के लिए हमें फिर से लिफ्ट से नीचे जाना पड़ेगा और फिर उधर से जा करके एक नंबर पे जाना पड़ेगा। सच में बहुत ज्यादा गंदी है भाई लिफ्ट, इतनी गंदी लिफ्ट और साथ में इतना खूबसूरत म्यूजिक। वाह वाह क्या बात, लू चल रही है गाइस, लू चल रही है। अशोक का एक दोस्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आया है किसी गाड़ी से, वो सिकंदराबाद से आ रहा है और कहीं और जा रहा है, बीच में भोपाल मिल गया है तो उससे मिलने गया है। टाइमिंग, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। तो अभी अशोक उधर गया हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं जाके मिलूँ। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन है शाम के 8 बजे, 8:30 बजे। तो अशोक मिल के आ गया अपने दोस्त से और शादी का कार्ड लेके आया है अपने फोन में। ये देखिए गाइस, मैं कर रहा हूँ एडिटिंग अपने लैब के ऊपर रख के, मगर ये जो गर्म हवाएं निकल रही हैं इससे मेरा ये जल रहा है। मैं अशोक को बोल रहा हूँ वो टेबल लेके आ जाओ ताकि यहाँ पे रख के एडिटिंग करूंगा, नहीं ला रहा ये लड़का। यहाँ जमीन पे सो गए थे बहुत देर, अभी उठा हूँ तो टाइम का यूटिलाइज करने के लिए सोचा बैठ के एडिटिंग कर लेता हूँ। अपने पास अभी भी 3 घंटे हाथ में, एडिटिंग अभी भी चल रही है। ये 5वां कप कॉफी है मेरा क्योंकि सर दर्द बहुत ज्यादा हो रही है मेरे को। अशोक यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। सर दर्द के लिए अशोक ने अभी मुझे ये दिया है दवाई, ये रहा कॉम्बिफ्लॉन। आज का डॉक्टर कैसा हो, अशोक यादव जैसा हो। अगर ठीक नहीं हुआ ना भाई तो समझ लेना बहुत मारूंगा। कॉफी पीते पीते मेरे को बोल रहा है कि दवाई खा ले, मैं पहला आदमी होऊंगा जो कॉफी के साथ दवाई खा रहा है। ये अशोक अगर अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बना, डॉक्टर बन जाता तो ये क्या बोलता, ये है मेडिसिन, इसको आप वाइन के साथ पीजिएगा। अभी 7:15 हो रहे हैं, हम लोगों का ट्रेन 8:30 बजे है, तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर कि खाना वगैरह खा ले, उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे आराम से। बैग वगैरह लेके ही आ गया हूँ, तो मैं और अशोक अभी रास्ते में चल रहे हैं। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले हैं, भाई होटल, भाई कहाँ जाओगे, भाई ऑटो, भाई टैक्सी। तो अभी एक बंदे ने पूछा बड़े भाई कहाँ जाओगे, तो अशोक बड़ा प्यार से बोलता है खाना खाने। देखते हैं कोई अच्छी जगह देख करके आराम से खाना खा लेते हैं। डन विद द फूड, इतना अच्छा खाना नहीं था जितना दोपहर में खाया था। स्टेशन के साइड में आप इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिलहाल आ चुका हूँ स्टेशन पे, शोक गया है पानी लेने के लिए। अभी भी 1 घंटे हैं हमारे ट्रेन को आने के लिए और गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हवा ही नहीं चल रही है। तो गाइस हम लोग ट्रेन तो बैठ गए हैं मगर ट्रेन में इतनी ज्यादा रश है, सामान भरी पड़ी है, ये इधर आगे, मतलब बहुत ज्यादा सामान है और लोग भी भरे हैं। जैसे ही ट्रेन के अंदर घुसा उमस से एकदम हीट बाहर आ रही है। एग्जैक्ट 8:30 बजे ट्रेन खुल गई, बाय बाय भोपाल जंक्शन। बहुत गर्मी है यार तेरे अंदर आज तो भाई साहब, हम लोग फंस गए हैं। इतने बच्चे काय 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 कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। स्लीपर में जाओगे तो ऐसे ही मिलेगा, कितना पैसा में इतना ही मिलेगा। ये लड़का पता नहीं किससे फोन पे बात कर रहा है और ऐसे ही बातें किए जा रहा है, किए जा रहा है। बस कर भाई। अच्छा ये खिड़की से बाहर का नजारा है, हमारे पास 2 सीट है फिर भी मैं इसके सीट पे ही बैठा हूँ, अपने सीट पे जाने का मन ही नहीं कर रहा। इसको मैंने इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। हम लोग पहुंच चुके हैं बीना जंक्शन। माँ शारदे कहाँ तू, बीना बजा रही। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने बर्थ पे, बहुत अंधेरा है ट्रेन में, से ब्लू ब्लू लाइट जल रही है, सब सोए हुए हैं। बर्थ नंबर 62, ये रही मेरी बर्थ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने बर्थ पे, यहीं पे आराम से सोते हैं कंफर्टेबली, इस वाले में फिट बैठ जाता हूँ मैं, और आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह दिल्ली में।